दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जान गए होंगे दोस्तों कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट मंथ हमारा नवंबर 22 से एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारे थ्योरी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। अब उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, यानी कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए हमारा कोर्स कंटेंट कितना है और कैसे हमने उसकी तैयारी करनी है। यानी कि थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि थ्योरी पेपर कितने हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है ना। तो आज का क्लास हम इसी पे करेंगे कि अपने एग्जाम की प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है डीएड एससीआईडी फर्स्ट ईयर, ठीक है। देखिए दोस्तों, डीएड एससीआईडी फर्स्ट ईयर में जो थ्योरी पेपर है, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर का जो अगर सिलेबस अगर हम देखें तो उसमें क्या है, आपके ये 6 पेपर हैं, ठीक है। थ्योरी पेपर जो है आपके डीएड एससीआईडी फर्स्ट ईयर, ठीक है, डीएड फर्स्ट ईयर 2021 एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों देखिए, डीएड एससीआईडी में अगर आप देखेंगे फर्स्ट ईयर का जो आपका कोर्स कंटेंट, अगर मैं बात करूं, और जो थ्योरी पेपर है वो 6 है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके जो पेपर रहेंगे थ्योरी पेपर 6 पेपर रहेंगे। 6 पेपर का मतलब है कोर्स आपका क्या है, 6 पेपरों में डिवाइड है फर्स्ट ईयर का। कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला है थ्योरी पेपर आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, सबसे पहला पेपर आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इसमें भी आपकी 5 यूनिट्स है, ठीक है ना, और हर यूनिट में 5 पॉइंट है, ठीक है। यानी कि 5 यूनिट में 5 पॉइंट है, तो आप लगा लीजिए आपके 25 टॉपिक से रिलेटेड उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, उनकी आपको प्रिपरेशन करने मिलेगी। तो आपका क्या है, थ्योरी पेपर जो फर्स्ट पेपर रहेगा आपका है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इस पेपर में रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है, पेपर का जो नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, यानी कि इसमें डिसेबिलिटी से रिलेटेड, डिसेबिलिटी की हिस्ट्री हो गई, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है ना, और कितने प्रकार की डिसेबिलिटी है, ठीक है, उनके कॉजेस क्या क्या है, प्रिवेंशन क्या क्या है, अर्ली इंटरवेंशन हो गया, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया डिसेबिलिटी का, उनसे सारे रिलेटेड टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाले पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका पेपर है दूसरा ह्यूमन ड्रग डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन अप्रोच। यानी कि आपका जो फर्स्ट ईयर में दूसरा पेपर है सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स कंटेक्ट में, दूसरा पेपर है आपका ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट, यानी कि मानव अभिवृद्धि और विकास। इसमें क्या है, इसका मतलब अगर मैं बात करूं, इस पेपर में आपसे मानव अभिवृद्धि के बारे में पूछा है, विकास से संबंधित सभी चीजें इसमें पूछी गई है। विकास का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कैसे विकास होता है, सभी विकासों के उन्होंने क्या क्षेत्र पूछे हैं, सभी क्षेत्रों की स्टेजेस पूछी हुई है ना। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप समझ लीजिए जन्म से लेके व्यक्ति के मृत्यु तक की पूरी व्याख्या की गई है इस पेपर में, ठीक है। और उसके अप्रोचेस, यानी कि अप्रोचेस का मतलब है यहाँ पर इसमें टॉपिक आपको रिलेटेड मिलेंगे, जैसे बिहेवियरल अप्रोच हो गया, कॉग्निटिव अप्रोच हो गया, सोशल अप्रोच हो गया, साइकोलॉजिकल अप्रोच हो गया, उन सबसे रिलेटेड आपके अप्रोचेस हैं इस टॉपिक में, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन जो आपका सेकेंड पेपर है थ्योरी पेपर के अनुसार, सेकेंड पेपर आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। इसमें भी 5 यूनिट है, सबको पता है, ठीक है। थर्ड पेपर है आपका एजुकेशनल असेसमेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज मटेरियल डेवलपमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट इस पेपर में सबसे ज्यादा है क्या, एजुकेशनल से संबंधित है, अगर हम बात करें टीचिंग से संबंधित है, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है, टीचिंग टेक्निक्स क्या है, ग्रुप टीचिंग हो गया, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें ग्रुप टीचिंग आप कैसे कराएंगे, असेसमेंट हो गया, एजुकेशनल असेसमेंट हो गया, अप्रोचेस असेसमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें सारी चीजें क्या है, ये एजुकेशन असेसमेंट और टीचिंग से रिलेटेड पेपर है आपका, ठीक। पेपर 4 है आपका ट्रेनिंग अडेप्टिव स्किल एंड फंक्शनल एकेडमिक, यानी कि ट्रेनिंग अडेप्टिव स्किल। इसमें क्या है, कौशल से
संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों को, और किस प्रकार से हम किसी भी कौशल को सिखाएंगे उसका प्रशिक्षण कैसे देंगे उससे संबंधित ये पेपर है। दूसरा फंक्शनल अकेडमी यानी कि कार्यात्मक शिक्षण आपका जो आ जाएगा, कार्यात्मक शिक्षण जितना भी आएगा आप किस तरीके से फंक्शनल अकेडमी कराएंगे, तो इसमें कार्यात्मक शिक्षण से मतलब है आप प्री रीडिंग प्री राइटिंग, ठीक है ना, प्री रीडिंग हो गया प्री राइटिंग हो गया, ये सारी चीजें आप उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक, आपका पेपर फाइव है एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित पूरा ये पेपर है, पेपर फाइव। अब इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो सारी थ्योरीज है, इंटेलिजेंट की थ्योरी हो गई, लर्निंग की थ्योरी हो गई, मेमोरी की थ्योरी हो गई, सारी थ्योरीज इसमें दी हुई है, मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरीज आपकी सारी इसमें, सारे जो हमारे राइटर्स हैं मनोवैज्ञानिक है उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज दी हुई है या उनके जितने भी मत है कथन दिए हुए हैं सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर सिक्स है आपका थेरेप्यूटिक्स, जैसे कि थेरेप्यूटिक्स इस पेपर का नाम ही है यानी कि चिकित्सा, चिकित्सा से संबंधित सभी टॉपिक है, भौतिक चिकित्सा, व्यवसाय चिकित्सा, ठीक है ना, शारीरिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, व्यवसाय चिकित्सा या भाषा चिकित्सा, तो इसमें 5 यूनिट्स है जो चिकित्सा से संबंधित है इसमें भी। ठीक है, तो दोस्तों पेपर कंटेंट तो हमारा हो गया कि आपका कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग पेपर कितने हैं, ठीक है ना, 6 पेपर है, इनसे सबसे रिलेटेड आने वाला है आपके एग्जाम में। अब आपको कैसे इसके जो यूनिट्स हैं इसमें, हर पेपर में 5 यूनिट्स हैं, उसके भी एक एक सब हर यूनिट का सब एरियाज है, तो दोस्तों कैसे आप उसको कवर करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, आप कहीं भी इतना परेशान ना हो, ना ही कि बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी फील हो रहा होगा कि एग्जाम हमारे नेक्स्ट मंथ में, अब कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे होगा, जिसमें हमने क्या करना है, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब एक चीज ये सवाल उठता है कि आपका एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है आपका एग्जाम का टाइम 3 घंटे का कर दिया गया है, 3 आवर्स का हो गया है, सबको पता है, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है अगर 3 आवर्स का हो गया है तो हो सकता है ओल्ड पेपर पैटर्न जो रहा था हमारा वो रहे, लेकिन अगर नया पैटर्न भी रहता है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 घंटे का टाइम में अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना, और बाकी का अच्छा रहेगा, बाकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगी आपको कैसे करना है, हर पेपर के हर टॉपिक की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये डाउट क्लियर हुआ। तीसरा है आपका कि आपके प्रैक्टिकल की डेट क्या है, प्रैक्टिकल की डेट आ गई है लेकिन वो आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट के शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करती है कि वो 1 नवंबर से लेके दिसंबर लास्ट तक कभी भी आपका प्रैक्टिकल करा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब बात करते हैं, अब आप जाएंगे जब इन सारे पेपरों की थ्योरी पेपर की आपने इसमें से क्या क्या आएगा। ठीक है, थ्योरी पेपर है आप सबको पता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 250 शब्दों का, है ना, 250 शब्दों का लॉन्ग आ गया। ठीक है, और उसके बाद 150 शब्दों का आता है, ठीक है, सभी को पता है। उसके बाद हमारा ये पार्ट डी है, पार्ट सी हो गया, उसके बाद बी हो गया जिसमें क्या है हमारे क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर वाले, ठीक है, या 2 नंबर वाले, पार्ट ए जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और हमारे सत्य असत्य आएंगे। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेंगे। अब क्या करना है हमें, इन सभी से रिलेटेड यानी कि जिसमें हमारा सभी चीजें ये क्लियर हो जाए, सभी चीज की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, सभी पार्ट्स की हो जाए, अगर ओल्ड पैटर्न पेपर आता है तो भी हमारी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए अच्छी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि दोस्तों मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराती हूँ, मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कि आरसीआई का हर सर्कुलर आपको सेंड कर रही हूँ या बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको कंफ्यूज कर रही हूँ इधर उधर की इन्फॉर्मेशन देके, कुछ नहीं, जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन मैं केवल आपके कोर्स पर फोकस करती हूँ, आपके कोर्स का कंटेंट पर फोकस करती हूँ और आपके कोर्स में टॉपिक्स क्या है उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपके उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने स्पेशल एजुकेशन हब में, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर पेपर की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब देखिए कैसे आपको देखना है, जैसे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सबको पता है पेपर फर्स्ट है हमारा, पेपर फर्स्ट, तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको देखने यूनिट वाइज आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर पेपर फर्स्ट आपको मिल जाएगा, पेपर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर से आप जितने भी यूनिट वाइज आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक उसमें मिलेंगे। ठीक है, जो नहीं भी है मैं वो आपको करा रही हूँ। ठीक है,
इसी अनुसार आप ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर टू देखेंगे तो पेपर टू का भी आपको मिलेगा पे लिस्ट में, पेपर टू इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। पेपर थ्री का भी आप देखेंगे तो पेपर थ्री लिखा होगा, उसके अंदर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे यूनिट वाइज। ठीक, पेपर फोर, पेपर फोर, पेपर फाइव और पेपर सिक्स, इस तरीके से आप थ्योरी पेपर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कंटेंट है टॉपिक्स में, या सॉरी जितना भी कंटेंट है फर्स्ट ईयर के पेपर का और जितने भी टॉपिक्स है पेपर के अकॉर्डिंग, आप प्लेलिस्ट में जाकर हर टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि आपने कहां से करना है कैसे करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर बहुत सही लग रहा है, समझ आ रहा है, तभी आप कीजिएगा। ठीक है, फोर्स नहीं किया जा रहा है, जैसा आपको ठीक लगे, जहां से भी आपको करनी है स्टडी आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको जो इतना अच्छा एक फैसिलिटी दे रखी है कि ताकि आप परेशान ना हो, आप अच्छे से कर सके, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में मैंने, क्योंकि सबको ये पता है दोस्तों कि आपका केवल क्या एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है। ठीक है ना, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस कभी चेंज नहीं हुआ है अभी तक, तो हुआ नहीं है। अगर पहले कभी हो गया, आने वाले कभी टाइम में होगा तो शायद हमें कंटेंट चेंज करना पड़े, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम, मतलब अगर मैं बात करूं कि कोर्स आपका जो सिलेबस है कोर्स के अकॉर्डिंग अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, सिलेबस वही है, उसी सिलेबस से बन के आना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी पेपर की टेंशन खत्म। अब बात आती है कि इन पेपर का हम इनके सभी की रिवीजन कैसे करें, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों मैंने आपको, आप देखेंगे उसमें जाकर प्लेलिस्ट में कि किस तरीके से टॉपिक्स आएंगे, तो मैंने देखिए कुछ उसमें मैंने डाल रखा है, आप हर यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट, इस तरीके से मिलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स फर्स्ट ईयर एग्जाम। ठीक है ना, अगर आप पेपर भी डाल देंगे पेपर फर्स्ट, तो आपको पेपर फर्स्ट के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, आपको पेपर फर्स्ट से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स का। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, तो आप सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी देख सकते हैं या मेरे प्लेलिस्ट में भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर डीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। और इसकी तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो इस तरह से नाम से है प्लेलिस्ट, एक डीएड एसई आईडी एग्जाम प्रिपरेशन 2021 करके देखेंगे, आपको इनसे रिलेटेड सारे जितने ये पेपर मैंने आपको बताए हैं थ्योरी पेपर, इनसे रिलेटेड हर पेपर का मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कर रखा है, और हर क्लास में कम से कम 20 प्रश्नों पर बात की है। लॉन्ग पेपरों को अलग बताया है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को अलग बताया, शॉर्ट क्वेश्चन को अलग बताया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को अलग बताया। अगर आपको न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न देखना है, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ ओल्ड एग्जाम पेपर पैटर्न आएगा या न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न आएगा, तो आप क्या करना है, बस यूट्यूब पर सर्च कीजिए या मेरे चैनल पे ही आप सर्च कर सकते हैं न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न, न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न 2021 करके आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ही आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न भी बना है, तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी थ्योरी पेपर की। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। अब आप प्रैक्टिकल में जब जाएंगे, प्रैक्टिकल आपका चल रहा है, तो मैंने आईईपी के बारे में और पेपर फाइव में जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, इन दो के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पेपर सिक्स की, थेरेप्यूटिक्स वाला जो प्रैक्टिकल होगा आपका पेपर सिक्स में, जैसे जिसमें सेरेब्रल पॉलिसी आप करेंगे,
या उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो शायद उसका मैंने नहीं करा रखा है, कोशिश करूंगी उसको जल्दी से प्रोवाइड करा दूं। तो आप आईपी के बारे में, केस स्टडी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो पहले तो आपको पेपर में ही सारा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे पेपर फाइव की प्लेस देखेंगे आप, उसमें लास्ट तक देखेंगे आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की फाइल कैसे बनानी है, कैसे उसका फॉर्म भरना है, या कौन कौन से ऑप्शन उसमें पूछे जाएंगे, आपको पूरा फॉर्म से कंटेंट पूरा मिलेगा। आपको हर क्लास को मैंने डिवाइड कर रखा है प्रैक्टिकल का, तो आप भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए आप प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है, आपको मिल जाएगा। इस तरीके से प्लेलिस्ट बन रखी है, सारी चीज सॉल्व हो गई। बाकी आगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे लगातार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इस इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू सो मच।